भैया आज फाइनली आपके और जोगिंदर की कंट्रोवर्सी से मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट से गेमिंग लैपटॉप ले लिया है। भाई कंट्रोवर्सी करने के लिए थैंक यू। मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, एक बंदे को सिर्फ व्यूज चाहिए, ठीक है, तो वो पकड़ पकड़ के लोगों का नाम लिए जा रहा है ताकि उसको व्यूज मिल जाए। सिंपल सी बात है, मेरी तरफ से कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं। फॉर एग्जांपल कैरी ने एक भी जगह पे नाम तक नहीं लिया उस बंदे का, एंड उसके बारे में भी नहीं बोली थी। वो मैंने अपनी वीडियो में अपनी मर्जी से वो मीम लगाया था, कैरी मिनाटी नेवर सेड अ वर्ड अबाउट हिम। उस बंदे ने 6 वीडियोस बना चुका है वो उसके ऊपर कि कैरी तू ये है, कैरी तू वो है। कैरी ने तो कुछ बोला ही नहीं, तुझे बोलना था तो उसके बारे में बोलना जिसने तेरे पे वीडियो बनाई है, पर नहीं ना, तू कैरी के बारे में बोलेगा तभी तो तेरे को क्लाउट मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट यू वांट, तभी तो तू मैं छोड़ो रहने दो, टॉक्सिक को डीएम कर करके तभी तो बोलता है कि मैं भाई इसीलिए तो कंट्रोवर्सी करना चाहता हूं ताकि लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाए, ताकि मैं पॉपुलैरिटी में रहूं। तेरे बारे में तो कोई पूछ भी नहीं रहा था एक हफ्ते पहले तक, तूने तो जानबूझ के मेरी वीडियो से बस वो उठा के कि एक तेरे को किसी तरीके से क्लाउट मिल जाए, यू नो, यू जस्ट मेड कॉन्ट्रोवर्सी आउट ऑफ इट। भी तो टॉक्सिक के डीएम में क्या बोलता है, मैं तो भाई पॉपुलैरिटी लेना चाहता हूँ ताकि बिग बॉस में जा सकूं। और बेटा भाड़ में आएगा, और जो तू बोलता रहता है ना कि क्या क्या बोला था तूने, लोग आएगी थी शक्ल के, सुन भाड़ में जाए गेम जरा एक मिनट। तेरे जैसे ना साइबर बुलीस बहुत पहले भी आए थे जिंदगी में मेरी, लेकिन तभी ना मैं थोड़ा सा सैड सा बच्चा था, तभी वो बात मेरे को लगती थी। आज मेरे को तेरी बात का इतना भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक तो वैसे भी भाई गोबर ही है, मुंह खोलेगा तो हगेगा ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अबे एक बार तेरी फोटो मैंने दिखा दी ना कसम से, छोड़ यार कोई पॉइंट नहीं है, जिसकी खुद की कोई वो नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि भैया जिसकी डिक्शनरी इज एबीसी औकात बवंडर छपरी एबीसी, इसके अलावा तू कुछ नहीं बोलेगा भाई, तू बस यही तीन बातें बोल सकता है कि तेरी औकात नहीं है और बवंडर रहा हुआ। अबे ला ना बवंडर, ला ना क्यों नहीं लाता, कितने 3 महीने हो गए तेरे को बवंडर बवंडर चिल्लाते हुए, क्या लेके आया तू, पानी के नलके के नीचे खड़ा हो गया कि बवंडर आ गया, इलाज करवा ले भाई, इलाज करवा ले, जरूरत है तेरे को इलाज की, मैंने तेरे को डीएम में भी बोला था इलाज करवा ले, नहीं जाने वाला तू बिग बॉस, भाई तेरे को कौन लेगा बिग बॉस में, भाई बिग बॉस में लेने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, बार बार 3 शब्द बोलने से औकात बवंडर छपरी, लड़कियों को तू बोल रहा है काली है तू, सलोनी आपा के बारे में जो तूने बोला ना काली सी शक्ल की, रेसिस्ट भी है तू भाई, तू क्या तू कहां तेरे को बिग बॉस के सपने ले देख के बैठा हुआ है तू भाई, तू होमोफोबिक भी है, अगर बता चल कोई एक बंदा लड़की जैसा दिखता भी है तुझे क्या दिक्कत है, तेरे को किसी के लड़की होने में दिक्कत है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लड़की सा दिखता है, क्या हो गया लड़की होना गलत है क्या, तू होमोफोबिक भी है तू, और तू रेसिस्ट भी है, सलोनी आपा को बोलता है काली सी शक्ल की, भाई तेरे पे केस कर सकती है वो फॉर रेसिज्म, तू अपने आप को सोचता है कि तू यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बैठ के कुछ भी बोल सकता है, डूड आगे बढ़ भाई, बंद कर दे, तू वही वाली टिकटॉक बनाया कर, आए आ गया मैं, और वो नाचा कर भाई, तू वही कर वो रील्स बना, ये फालतू में पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में अपनी इज्जत की धजिया मत करवा, दिल से सजेशन दे रहा हूं, और तू बोलता रहता है मेरे को बोलता था तो फिर समझ आता था, तू कैरी को बोलता है कि तेरे को जानता कौन है, अबे तू ठीक है भाई, मतलब एक दिमाग खराबी, लोग मुझे कहते रहते हैं उस पर और वीडियो बनाओ, उस पर उसको रिप्लाई करो, अरे इसको क्या रिप्लाई करूं मैं, क्या रिप्लाई करूं मैं, औकात बवंडर छपरी इसके अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, बबल दोपी सॉरी यार, 2 महीने पहले लोग तेरे बारे में बात कर रहे थे, 1 महीने पहले तेरे को कौन जानता था, तेरे बारे में कोई पूछ भी रहा था, कुत्ता भी तेरे को भाई पूछ नहीं रहा था, जब तक तेरे ऊपर वीडियोस बन रही थी तब तक तेरे बारे में बातें हो रही थी, जैसे ही तेरे बारे में वीडियोस बननी बंद हुई, नोबडी न्यू कौन है जोगिंदर, कहां गया जोगिंदर, पर नहीं
तुझे रेलिवेंसी चाहिए, और मेरी वीडियो में वो एक मीम डालने से जहां पे कैरी ने तेरा नाम नहीं लिया तुझे कंटेंट मिल गया क्या? ओ यस, यहाँ पे तो भाई कैरी ने मेरे को मेंशन कर दिया, उसने नहीं करा, उसने तेरे को रेफर भी नहीं किया था, वो मैं था जिसने वो मीम लगाया था, पर तुझे मौका मिल गया। अब कैरी का नाम यूज करके 6 वीडियोस बना दूंगा, इंस्टाग्राम रील, IGTV, यूट्यूब वीडियो सब डाल दूंगा भाई। आ गया भाई वो बवंडर आ गया। और जोगिंदर अभी तू वीडियो बना रहा है ना, अब बना रहे ना, अब उसमें औकात बवंडर छपरी यही बोलता रहेगा। और एक नया तूने वो कौन सा था, पालिका में चुराता है तू कुछ ऐसा वाला, और कौन सा लुगाई सी शक्ल की लड़की, तेरे को कोई प्रॉब्लम है जोगिंदर? एक बात बता, मतलब तेरे घर पे तेरी मम्मी है वो भी लड़की जैसी दिखती है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट जोगिंदर? अभी तू फोन दिखा रहा होगा गाड़ी में बैठ के, या देख रहा तारी वीडियो, या बोला तूने? मैं तेरे पे अब कोई नहीं वीडियो बनाने वाला, और मैं छोड़ कैरी मनाटी तेरे पे कभी वीडियो नहीं बनाने वाला भाई, कभी नहीं बनाने वाला, तो तू बस कर जा, कोई फायदा नहीं है। तू टॉक्सिक के कमेंट्स में उसके DM में बस यही लिख के भाई मेरे को तो बिग बॉस जाना है इसलिए करता हूँ मैं ये सब, नोबडी केयर्स अबाउट यू जोगिंदर, नोबडी। और तेरे को बिग बॉस तो कभी नहीं बुलाने वाला भाई, ये तो तू भूल जा, मतलब अगर बिग बॉस तुझे बुला लेता है ना तो भाई सल्लू भाई के लिए मेरे मन में सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ढिंचक पूजा तक तो ठीक था, सारा भाई जोगिंदर इन बिग बॉस। सल्लू भाई प्लीज, मैं आपका बिगेस्ट फैन एवर हूं, आप जिस मर्जी को बुला लो, मैं दीपक कलाल को बुला लो, लेकिन तारा भाई जोगिंदर को बिग बॉस में। मैं बिग बॉस देखता भी नहीं हूं फिर भी देखना बंद कर दूंगा। ओ माय गॉड।